और यहाँ पर दिख रहा है, और ये लाइट का फॉल्ट है, तो हम इसको बनाएंगे। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कैसे बनता है इसको तो आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों ये जो फ़ोन है ये ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन से बनकर आया है और बहुत डैमेज है। अभी हम चेक कर रहे हैं डिस्प्ले कनेक्टर का GR, और डिस्प्ले कनेक्टर पे हमको GR मिल रहा है, तो हमको फिर एक बार यहाँ पे वोल्टेज चेक करना होता है। अगर डिस्प्ले कनेक्टर पे हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी लाइन कट है, तो ये हमारे को समझ में आ जाता है। तो देखिए जिस तरह से आप सेक्शन देख रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पे कितना सारा काम हुआ है, और एक जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है वो निकला हुआ है, IC भी थोड़ी सी टूटी सी दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें जो उसके बगल में जो दो डायोड होते हैं, जो लाइट सेक्शन डायोड हैं, वो भी स्क्रैचेस हैं। तो बेसिकली जब भी आपको फ़ोन आता है, आपको सबसे पहले उसको आई स्कैनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेक्शन वाइज की। दोस्तों इस वीडियो में पूरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्या क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता जाऊँगा, साथ में हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले मैं उसके आसपास का ग्लू हटा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी टेक्नीशियन ने इसके जो कैपेसिटर है उसको डायरेक्ट निकाला है, जिसकी वजह से IC थोड़ी सी ब्रेक सी दिख रही है, और जो पास में लगा डायोड है वो टूट गया है। तो ये हो सकता है कि रीज़न शॉर्ट जा रहा हो, शॉर्टिंग के चक्कर में उसने डायरेक्ट निकाला हो। तो ये टेक्नीशियन सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और जो दुकान वाले होते हैं जो यूट्यूब देख के काम करते हैं, आप जैसे यूट्यूब देख रहे हो, तो जब तक आप काम को सीखोगे नहीं तब तक आप काम को सही तरीके से नहीं करोगे। और दोस्तों काम को सीखना सिर्फ उसी से चाहिए जो एक एक्सपीरियंस हो, एक वेल एजुकेटेड हो, और एक अच्छा नाम, एक अच्छा ब्रांड हो, और जिसने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हो, और अच्छा एक आउटपुट एक्सपीरियंस हो। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर आप एक लाइट IC को हमने निकाल दिया है, और दोस्तों ये लाइट IC को हम रिबॉल करके नहीं लगाएंगे, हम इसको चेंज करके लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये IC हमको ब्रेक दिखाई दे रही है। अब सेकेंड टर्म्स में हम इनका डायोड निकाल देंगे। तो मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि एक दुकान से बैठ के आप बेहतर सीख सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट वाला आपको चीट कर सकता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप गलत इंस्टीट्यूट का रास्ता अपनाते हैं। देखिए दोस्तों इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं, कई लोग क्या होते हैं दुकान वाले इंस्टीट्यूट का नाम देके बुला लेते हैं, या कई लोगों को आप देखिए कि इंस्टीट्यूट वालों को खुद को कितना नॉलेज है, उनका कितना वीडियो है, जो पढ़ा रहे हैं उनका खुद का वीडियो डाला है कि नहीं डाला है, उनके स्टूडेंट रिपेयर करके दिखा रहे हैं, वो वीडियो में आउटपुट बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करके आइए, और क्योंकि आप एशिया टेलीकॉम में देखेंगे आप, तो हम ये पहला देश का ऐसा इंस्टीट्यूट होगा। देखिए इस बार मैं पहली बार कहता हूँ, मैं देशबाजी की बातें अब ये करता नहीं हूँ, पर ये क्योंकि हमने डेली हर दिन का वीडियो शूट करके यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि कोई नहीं डालता है। हम डे 1 डे 2 डे 3 सुबह से दोपहर से शाम से, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइम हमारा, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो थ्योरी क्लासेस हमारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉन्टेंट हमारा सबसे ज़्यादा है। हम बिल्कुल सही एक्यूरेट चीज़ों को बताते हैं प्रैक्टिकली, फिर स्टूडेंट से करवाते हैं। हर दिन स्टूडेंट अपने ही सेक्शन पर प्रैक्टिकल करते हैं और अपने ही फॉल्टी सेट बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे फॉल्टी सेट लेकर आते हैं, हम उनको डायग्नोस करना सिखाते हैं, और बहुत अच्छे से वो सीखते हैं हर सेक्शन को डीपली में, और DSO की सप्लाई के साथ में। अब देखिए किसी भी दुकान में बैठकर आप सिर्फ एक IC को रीहॉट करना सीख सकते हो, उसको रिबॉल करना सीख सकते हो, या लगाना, बट आप उसका सप्लाई की ना जानकारी नहीं सीख सकते हो। अगर आप आपको वो थोड़ी बहुत सप्लाई की जानकारी बता रहा है, तो दोस्तों आप वो एक स्टार्टिंग लेवल होता है, सप्लाई एंडलेस होती है, और ये सिर्फ वो ही बता सकता है जिसको वेल एक्सपीरियंस हो, और जो एक टेक्नीशियन भी हो। सिर्फ एक टीचर से भी नहीं हमें पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कोई टीचर है जो बोर्ड पर पढ़ा रहा है, तो वो भी गलत है, जब तक कि वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, या फिर वो खुद मोबाइल नहीं बना रहा हो, तो वो कैसे पता करेगा कि फॉल्ट फाइंडिंग क्या क्या आ रही है। सिर्फ बोर्ड पर पढ़ा देना टीचर नहीं होता है, क्योंकि नए नए हैंडसेटों में नए नए प्रकार के फॉल्ट आते हैं, और सारे फॉल्टों को हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर टिप्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम टिप्स नहीं बनाएंगे तो ये हमारे जो कॉम्पोनेंट है वो हमारे बैठेंगे नहीं, और जो एक्स्ट्रा रंगा लगता है दोस्तों वो पहले फिर बाद में हटा लिया जाता है। अपने हिसाब से यहाँ पे काम देखिए, जो एक्स्ट्रा रंगा है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में वो कॉम्पोनेंट है वो ऊपर उठ जाएगा।
तो पहले क्लीनिंग आपकी अच्छी होगी तो आप जो भी आईसी और जो भी आप अपने कंपोनेंट बिठाएंगे वो बहुत बेहतर तरीके से बिठा देंगे। दोस्तों हमारे यहाँ आप आएंगे एंड्रॉयड का तो आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टाइमिंग सबसे ज़्यादा है, डेज हमारे सबसे ज़्यादा हैं। और अभी अगर फीस की बात करेंगे तो रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। हमारा एक टोटल पैकेज होता है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, रहना खाना, आपके पूरे 30 दिन का जो भी टूल्स होते हैं, जो पीपीडी, जो टूल्स, जो हम आपको बोर्ड देंगे वो भी फ्री होंगे। तो सारी चीज़ें इसे टेलीकॉम की तरफ से ही आपको उपलब्ध होगी। हम सैमसंग के ड्यूएल डेकर के जो बोर्ड होते हैं वो भी हम अपनी तरफ से देते हैं फ्री, और उसमें फ्रेश बोर्ड होते हैं दोस्तों, ताकि आप उसका सीपीयू निकाल के लगा के आपको एक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो और आपको यहाँ पता चले कि यार देखो यहाँ पर मैंने सारे काम करके ना एज अ फ्रेशर जब मैं ये कर सकता हूँ तो फिर मैं ऑलवेज मतलब हम फ्रेशर होकर जब ये काम कर सकते हैं तो हम घर जाके भी बहुत अच्छे से काम कर ही सकते हैं। तो डायोड हमारे दोनों लग चुके हैं, अब हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, और कैपेसिटर हम लगा देते हैं इसके बाद में। तो ये कैपेसिटर लगाने के लिए हम सेम दूसरी प्लेट का यूज़ करते हैं, और क्योंकि दोस्तों ये कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर होता है, इसका एक खास वोल्टेज होता है, हम कोई सा भी ये नहीं लगा सकते। और अगर मैं ये बताऊं कि किसी और लाइट सेक्शन से निकाल के लगाएंगे तो भी हो सकता है लाइट कम आए, इसकी एक टेक्निकल वजह है जो क्लास में बताई जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट आउटपुट होते हैं, बाईपासिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें दुकान वालों को नहीं पता होता, क्योंकि उनका स्किल, उनका नॉलेज, उनकी पढ़ाई बहुत कम होती है, और बेसिकली वो सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना काम आता है काम कर लेते हैं। और जबकि एक इंस्टीट्यूट प्रॉपर बेसिक तरीके से हर चीज़ डिस्क्राइब करके प्रैक्टिकली बताता है, और तभी आप एक अच्छा काम सीख पाते हैं। ये दुकान वाले भी दोस्तों कहीं ना कहीं से काम करके सीख कर आए हैं, आप ये भी समझिए। ये किसी इंस्टीट्यूट से आकर सीख जाते हैं फिर ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट वाले ख़राब है, ये भी इनका पॉइंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और ये करते हैं, इसमें कोई अब बुराई या अच्छाई की बात तो नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि बुरा है या अच्छा है, बट ये है कि दूसरों को बुरा कभी मत बताइए। देखिए जो भी अच्छा है अपने लेवल पे अच्छा है, अगर हम आप बोलेंगे कि आप अच्छे हैं और हम बोलेंगे आप नहीं आप अच्छे नहीं आप बुरे हैं, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो इसलिए कैसे साबित करें, तो आप हमारे वीडियो देखिए और हमारे स्टूडेंट का आउटपुट देखिए, हमारे फेसबुक में जाइए, फेसबुक में जाके लाइव देखिए, आपको क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए इससे टेलीकॉम के अलावा कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है मात्र जो आपको फेसबुक में डेली हर सेक्शन को सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं, आपका थ्योरी सेक्शंस, आपका प्रैक्टिकल सेक्शन और फिर रिव्यू सेक्शंस आपको लाइव दिखा रहा है, स्टूडेंट को डेली बता रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर दिन का आउटपुट दिखा रहा है जो भी पढ़ा रहा है, कभी ऐसा और एक भी स्टूडेंट को हाइड करके नहीं चल रहा है। नहीं तो स्टूडेंट को हाइड करके क्यों चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मान लो नहीं सीखते हैं तो वो वीडियो में नहीं आते हैं, फिर वीडियो में नहीं आते हैं तो फिर वो बेसिकली वो उनका आउटपुट कहाँ से हो गया। सो आप एसर टेलीकॉम को बेफिक्र आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन करो और कॉल करो हमारे नीचे दिए नंबर पे, और हमारे सितंबर बैच की, और सितंबर के बाद जो हमारा अक्टूबर होगा, और सितंबर के बाद जो हमारा अक्टूबर का होगा उस बैच को ज्वाइन करो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे टेलीकॉम से, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारे लोग हमारे से सीख कर दोस्तों आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं बहुत सा, और अगर मैं बात करूँ बहुत बड़े बड़ी सिटी में बैठकर, दिल्ली हो गया, नेपाल हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, तो ये सब हमसे ही सीख कर स्टूडेंट अपना आज इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और बस ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक दो जन की बातों पे जो कि जो हमको प्रॉपर तरीके से जानता भी नहीं है और जो सिर्फ रिव्यू के कारण या नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण ये सब कर रहा है, तो उस पर विश्वास मत करके एक बार हमारे पास आइए, और हमारे पास आकर आपको खुद पता चल जाएगा कि जो इंस्टीट्यूट इतने स्टूडेंट को स्टेबल करके रख रहा है, इतना आउटपुट निकाल रहा है और हर महीने आउटपुट निकाल रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट ऑलवेज बेस्ट ही है। तो आइए इसे टेलीकॉम कीजिए इस तरह का काम, ये बन गई है आपकी सीएसएस का लाइट, और मिलते हैं आप क्लास में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे आपको ज्ञान ही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। राइट।